क्षेत्रों में लगातार मिल रहे संक्रमितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कैंट, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्र में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं, दवा, दूध, राजकीय कार्यालय, बैंक और अस्पताल आदि खुले रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की देखरेख में 24 घंटे शिफ्ट बार ड्यूटी लगाई गई है। किसी ने भी निर्देशों की अनदेखी कर बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे। पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों की सबसे ज़्यादा जाँच कराई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने हाथ जोड़कर जनपदवासियों से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य के संबंध में ही घरों से बाहर निकले। अनावश्यक रूप से निकलने वाले खुद को और परिवार को संक्रमित कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, तीन प्रमुख थाना क्षेत्र गोरखपुर का है, कैंट है, गोरखनाथ है और राजघाट। तीनों थाना क्षेत्र में हम लोग लॉकडाउन किए हैं 1 सप्ताह के लिए, ताकि यहाँ तो लगातार केसें बढ़ती जा रही है और रुकने के नाम भी नहीं ले रहा, और यहाँ का मूवमेंट भी अक्सर ज़्यादा है एंड यहाँ सरकारी दफ्तर भी ज़्यादा है। हो सकता है कि उसी की वजह ही पब्लिक मूवमेंट हो। यहाँ जो कचहरी भी है, यहाँ कलेक्ट्रेट भी है और जिला अस्पताल भी है। ये इलाका बहुत धनी आबादी क्षेत्र है एंड यहाँ लाखों लोग रोज़ आते हैं किसी न किसी सेवा के रूप से, और उसी की वजह यहाँ का अधिकारी लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं और जनता लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं। इसलिए तीन क्षेत्र में हम लोग बंद किए हैं, उसको टेस्टें हम बढ़ाएंगे और इस पर जो संक्रमित लोग हैं उनको अलग कराएंगे और करा के जो उसको हम लोग बचाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आपके जरिए से मैं अपील करना चाहता हूँ, देखिए लगातार केस बढ़ती जा रही है, हम भी टेस्टें बढ़ाते जा रहे हैं, 2500 टेस्ट पर डे के हिसाब से हम करा रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 9 से 10 के बीच में मिल रहा है, यानी अभी भी पब्लिक में इतने अवेयरनेस नहीं है हम लोग कितने बार कहने के बाद भी, और मास्क बहुत लोग नहीं पहन रहे हैं और सैनिटाइजेशन हाथ को बार बार धोने की बात है और 2 गज का दूरी, ये सोशल डिस्टेंसिंग में बार बार कहने के बाद भी हो नहीं पा रहा। हम तो शक्ति तो करा रहे हैं बट ऐसे नागरिक हम लोग को भी जिम्मेदारी होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहयोग नहीं करेंगे इसी बीमारी से बचाना मुश्किल हो जाता है। अब तक कोई इलाज नहीं इस बीमारी का, हमारा बेडें बढ़ती जा रही है, हमारा भी एक सीमा है, सरकारी हॉस्पिटल के भी एक सीमा है, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सीमा है, बेड के कैपेसिटी के भी सीमा है। तब तक नया केसेस हम नहीं रोकेंगे, इसी का अंकुश कराना, उसका नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके गंभीरता के समझ लीजिए, घर से ज़रूरत है तो तब निकालिए, नहीं तो अभी भी मान लीजिए लॉकडाउन है, ये वायरस हम लोग का बीच में ही है। अब कितने बाहर कितने घूमते हैं उतने आपका संभावना ज़्यादा है इन्फेक्ट होकर के, केवल आप नहीं चपेट में आएंगे, पूरा परिवार आएगा और आपके गली आएगा, पूरा शहर आ सकता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कृपया करके ज़रूरत है तो जाइए, नहीं तो अवॉइड करिए बाहर जाना, और 1 महीने के लिए वक्त दीजिए, तब तक ये केस घट जाता है तो फिर आराम से आप जा करके